हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एसओपी 2 ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग विद जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग को कंपनी दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग को इसके हिसाब से पहले तो कंपनी बनानी होगी, बराबर। तो यहाँ पे सिंपली मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टैली ओपन कर लिया, वर्क इन एजुकेशन मोड एंटर। और फिर यहाँ पे हम लोग का पहले जो हम लोग ने कंपनी बनाई थी एसओपी 1 में वो खुल रही है। तो इसको पहले बंद करने के लिए अल्टर और F1 करना होगा, अल्टर और F1, बराबर। फिर यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करने के लिए सी सी करते यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड होगा और फिर हो गया, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग को कंपनी का नाम दिया हुआ है, बराबर। यहाँ पे ये वाला है मिसेज बैग्स एंड बैगेज ट्रेड, बराबर। तो इसको कॉपी करते कंट्रोल सी से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल अल्ट वी से, बराबर। ये हो गया। अभी यहाँ पे इसका एड्रेस लिखने का है, तो यहाँ के जे एम रत्ना रोड ROAD, बराबर। जे एम रत्ना रोड, फिर क्या लिखा हुआ है, नियर मारुति मंदिर, बराबर, नियर मारुति मंदिर। ये हो गया, इसको भी एंटर कर दो। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और रत्नागिरी लिखा हुआ है, तो रत्नागिरी, बराबर। इसका अभी यहाँ पे इंडिया है ऑफकोर्स। फिर यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, यहाँ पे राइट में आप देख सकते हो महाराष्ट्र, क्लिक कर लो। तो ये हो गया क्लिक, और फिर यहाँ पे नीचे जाते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया। अब यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है हम लोग को, 415612, बराबर, 415612। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, contactus@bagsandbaggagetraders.com ऐसा कुछ है, बराबर। तो यहाँ पे सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो। अभी यहाँ पे ईमेल का, यहाँ पे ईमेल पे आओ और फिर कंट्रोल अल्ट वी करके पेस्ट कर दो, बराबर। फिर यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है कि नहीं, वेबसाइट नहीं दी हुई है, आपको दी हुई है, देखो ऊपर दी हुई है, baggagetraders.com करके, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को इसको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे ना आपको इसको कॉपी लिंक करना होगा, कॉपी लिंक एड्रेस। तो यहाँ पे इसको मतलब कि वो कर दोगे ना, और फिर यहाँ पे ऊपर जाते हैं और फिर यहाँ पे लेते हैं वेबसाइट के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देते, बराबर। ये हो गया, इतना तो हम लोग था, ये आपको पता ही होगा, हम लोग ने पिछले बार भी किया था। अभी इसके बाद हम लोग को क्या लिखा हुआ है, बुक कीपिंग मतलब बुक बिगनिंग, तो 1/4/2019 है, 1/4/2019, इसको एंटर करते हैं, नीचे भी सेम हो जाएगा, ये सब आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दो, बराबर। इतनी डिटेल्स थी हम लोग ने डाली। तो अभी सबसे पहले हम लोग को पहले एंट्री पास करनी है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन 1st August 2019, मतलब परचेस 150 पीसेस ऑफ लेदर बैग्स, हैंड बैग्स। तो यहाँ पे है ना, हम लोग को एक इन्वेंट्री बनानी होगी ऑफकोर्स यहाँ पे, तो एक लेदर हैंडबैग की एक इन्वेंट्री बनेगी। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ₹2,500 पर पीस का यहाँ पे भाव लिखा हुआ है, विथ GST 28%, बराबर, फ्रॉम जेन्यून लेदर बैग्स, बराबर। यहाँ पे हम लोग को और एड्रेस भी दिया हुआ है, साई बाबा नगर, मतलब कि एड्रेस लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे हम लोग को GST IN नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली हम लोग को GST IN नंबर डालना होगा, बराबर। यहाँ पे GST वाला है इसके लिए, तो यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे ये GST IN नंबर दिया हुआ है हम लोग को, इसको सिंपली कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे कहाँ पे देखने का है, टैली के अंदर जाना होगा और F11 जाना होगा, F11, और फिर यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाके जो सबसे पहला ऑप्शन है उसको यस करना होगा, बराबर। फिर यहाँ पे उसको एंटर करते नीचे आओगे, उसको भी यस कर दो, फिर वापस से एंटर करोगे तो एक अच्छा पेज खुल जाएगा, नया पेज खुल जाएगा। फिर इसको एंटर कर दो, यहाँ पे कुछ करने का नहीं है, और यहाँ पे जो हम लोग ने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो, बराबर। मतलब कि जो वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, GST IN नंबर, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। अब इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दो या फिर सेव कर दो बोल सकते, और इसको भी सेव करना मत भूलना, कंट्रोल ए करके सेव। तो आप इतना समझ में आ गया रहेगा, हम लोग ने यहाँ पे ये इधर जितनी डिटेल्स थी उतनी डाली। अभी यहाँ पे ये वाला मैंने पढ़ा, बराबर। अभी यहाँ पे आपको समझ में क्या आता है कि लेदर हैंडबैग हम लोग ने परचेस किए, किससे किए, जेन्युइन लेदर बैग से, बराबर। कितने किए, 150 पीस किए हम लोग ने, उनका GST IN नंबर दिया, एड्रेस दिया, सब कुछ दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को कितने लेदर्स बनाने होंगे। अभी यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले तो परचेस आता है, फिर यहाँ पे आएगा जेन्युइन लेदर बैग वाले का, मतलब की जो कंपनी उनका नाम, फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, अभी GST लिखा तो CGST SGST, चार लेदर बनेंगे। और कुछ यहाँ पे दिखता है, अब यहाँ पे आप बोलोगे लेदर हैंडबैग का भी एक लेजर बनेगा, नहीं, लेदर हैंडबैग का हम लोग इन्वेंटरी बनाएंगे, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए सब पूरा बैग जाओ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंटिंग इन्फो और फिर लेजर, बराबर। और फिर यहाँ पे हम लोग को ना दो लेजर पहले से रहते हैं,
कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्रिएट करना होगा, क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो परचेज बनाना होगा, परचेस अकाउंट, बराबर परचेस अकाउंट। अभी यहाँ पे एलियस में डालना है तो डालो, नहीं डालना है मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी परचेस अंडर किसके ग्रुप में आएगा, परचेस अकाउंट, बराबर एंटर करो, एंटर करो। और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल, यस। और फिर यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी करना है, मतलब कि हम लोग को अल्टर करना है या नहीं करना है, नहीं हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग जो लेदर है ना वहां पे करेंगे, बराबर। यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर यहाँ पे हम लोग को गुड्स है या सर्विस है वो देखने का, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स है, बराबर गुड्स को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है हम लोग को, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग का परचेस अकाउंट है सिंपल। तो यहाँ पे ना आप डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको बाद में कभी डाल के दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अभी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सब जगह 28% है, बराबर यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28% है। तो यहाँ पे आप परचेस में डायरेक्टली 28% डाल सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे 18% हुआ तो क्या करोगे, तो आप फंस जाओगे ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बराबर इसको कंट्रोल लेकर सेव कर दो, ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग को कौन सा लेजर बनाने, और जेन्युइन लेदर बैग्स का, बराबर जेन्युइन की स्पेलिंग में भूल गया, जेन्युइन जेन्युइन लेदर बैग, लेदर LEATH लेदर बैग, बराबर लेदर बैग, ये हो गया। अभी ये हम लोग की क्रेडिटर है या फिर क्या बोलते हैं डेटर्स है, यहाँ पे आप बताओ मेरे को। यहाँ पे हम लोग ने परचेस किए हुए हैं, अभी यहाँ पे उधारी में परचेस किया है, बराबर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कैश में खरीदा या किससे खरीदा, तो उधारी है, इसके लिए हम लोग इसका लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्रेडिटर है या डेटर है, आपको इससे कैसे पता चलेगा कि ये डेटर है या क्रेडिटर है। तो यहाँ पे ये जो है ये हम लोग के क्रेडिटर है या डेटर है, अब मेरे को बताओ। हम लोग को पैसे देने के बाकी है, देने के बाकी है, उधार, उधार क्या होता है क्रेडिट, तो इसके लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर, बराबर ये हो गया, इसको एंटर करो। अभी यहाँ पे हम लोग को एड्रेस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ये एड्रेस क्या बोलते हैं कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ साई बाबा नगर, एंटर। और फिर यहाँ पे साई बाबा नगर, बराबर यहाँ पे एंटर कर दो। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है डीपी रोड, DP.Road ROAD डीपी रोड। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डीपी रोड के बाद, फिर यहाँ पे हम लोग दिया है नवी मुंबई, बराबर नवी मुंबई, बराबर नवी मुंबई। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं, एंटर कर दो। इंडिया ऑफ कोर्स, महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र। अभी यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है हम लोग को, तो वो भी हम लोग पेस्ट कर लेंगे, 400039, 400039, बराबर ये हो गया, इसको एंटर कर दो। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग को बैंक डिटेल्स दी हुई है, नहीं दी हुई है, लेकिन जीएसटी आई नंबर दिया हुआ है। टैक्स डिटेल्स, पैन, आईटी नंबर, यहाँ पे हम लोग को ये है नहीं, रेगुलर ऑफकोर्स यहाँ पे रेगुलर ही आएगा। फिर यहाँ पे जीएसटी आई नंबर दिया हुआ है हम लोग को, तो इसको सिंपली कॉपी कर लो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे पेस्ट कर देते कंट्रोल अल्ट वी, एंटर। अभी यहाँ पे इधर पे कुछ करने का आपको, सेट अल्टर जीएसटी, यहाँ पे मतलब कि इन लोग के लिए कुछ स्पेशल रेट रखे जीएसटी के, या उनको कुछ डिस्काउंट है, तो नहीं कोई नहीं है, इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। अभी यहाँ पे हम लोग को सीजीएसटी बचा है और एसजीएसटी बचा है, बराबर सीजीएसटी। अभी ये किसके अंदर जाएगा, टैक्सेस के अंदर जाएगा, टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखो यहाँ पे दिख रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बराबर। अभी ये कौन सा टैक्स है, जीएसटी है। सेंट्रल टैक्स है, कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। कितना परसेंट है, अभी यहाँ पे हम लोग को कितना परसेंट है वो तो नहीं लिखने के रहते, ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे ना तो वहां पे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अभी हम लोग का 28% है, बराबर। तो यहाँ पे वो हम लोग कर सकते, लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं करिए, कंट्रोल ए करके सेव कर दो, बराबर। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी यहाँ पे इसके बाद एसजीएसटी, बराबर एसजीएसटी, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी सेंट्रल टैक्स नहीं स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स परसेंटेज हम लोग को नहीं लेने का है, कंट्रोल लेकर के सेव कर दो, बराबर ये हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम चार लेजर बनाए, आपको दिखा देता हूं कौन से चार, डिस्प्ले के अंदर जाने का है। और यहाँ पे देखो हम लोग ने कौन से सीजीएसटी, जेन्युइन लेदर बैग्स, और फिर परचेज और एसजीएसटी, ये चार लेजर बनाए हम लोग ने, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग को इन्वेंट्री बनाने की है, तो अभी इन्वेंट्री हम लोग बनाएंगे लेदर बैग्स की, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले पूरा बैग जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, मतलब गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, और यूनिट ऑफ मेजर है। सबसे पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट करो। अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते बैग्स, बैग्स एंटर, अभी इसको भी एंटर कर दो। अभी ये प्राइमरी ऑफकोर्स हम लोग का, फिर यहाँ पे और कुछ करने का नहीं है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे यस कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कर सकते ऐसा जरूरी नहीं है करना है या नहीं। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे यस कर देते, बिकॉज हम लोग का बैग्स तो 28% ही लगता है ना। अभी यहाँ पे टैक्स एबल आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा 28%,
अभी यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी तो आ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे F12 दबाना होगा कॉन्फिगर में, जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है लास्ट ऑल जीएसटी टाइप टैक्स टाइप, तो इसको आपको यस करना होगा। यस करोगे एंटर करते हैं यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग आएगा 28% ऊपर डालोगे तो नीचे 14 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसको कंट्रोल ए करके सेव करना है, बराबर एंटर कर दो। अभी यहाँ पे ये हो गया, अभी इसके बाद हम लोग बैक जाएंगे, वापस से बैक जाएंगे। हम लोग ने एक स्टॉक ग्रुप बनाया, अभी यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे, क्रिएट करो यहाँ पे। यहाँ पे अभी क्या करोगे, सिंबल क्या देने का है, तो मैं पी सी एस दे सकता हूँ क्योंकि पी सी का शॉर्ट फॉर्म वही होता है। तो अभी यहाँ पे पी आई ई सी एस पी सी एस अभी नीचे करो, और फिर यहाँ पे मतलब फॉर्मूला नेम आप डाल सकते हो, कुछ भी डालना डाल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पी डालते देखो पी सी एस आ रहा है, देखो देख रहे हो यहाँ पे पी सी एस, इसको डबल क्लिक करके ओके कर दो। अभी डेसिमल पॉइंट है कि नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, इसको कंट्रोल लेकर सेव कर दो, बराबर। अभी हम लोग एक्चुअल चीज बनाएंगे जो कि है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में गए, क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लेदर बैग, लेदर बैग बराबर, लेदर बैग एंटर। अभी यहाँ पे अंडर प्राइमरी आएगा, नहीं हम लोग का यहाँ पे अंडर बैग्स आएगा। बैग्स देखो यहाँ पे अंडर जो है ना वहाँ पे बैग्स, हम लोग ने अभी बैग्स बनाया था स्टॉक आइटम में। अभी यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, यूनिट पीसीएस, और फिर यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं जीएसटी, यस एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे इसको आपको यस करना होगा, एंटर कर दो। यहाँ पे ऑन वैल्यू है या फिर ऑन आइटम रेट है, किस पे ऑन वैल्यू है या ऑन आइटम है, ऑन वैल्यू हम लोग करेंगे, बराबर। अभी यहाँ पे टैक्सेबल है कि नहीं, टैक्सेबल है। अभी ये 28% एंटर करते ही ये ऑटोमेटिकली आ गया, कंट्रोल ए करके सेव कर दो। अभी मैंने यहाँ पे लेदर बैड लिख दिया गलती से, एंटर। और फिर यहाँ पे मैं जाते हैं और फिर इसको जरा पेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है थिंक सो, ओके बैग स्पेस दबाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे लेदर बैग्स की जगह बैग लेदर बी ए जी बैग लेदर बैग, इसको कंट्रोल लेकर सेव कर दो। यहाँ पे मैंने सेट अल्टर जीएसटी किए हुए, देखो यहाँ देख सकते हो यस है, इसको कंट्रोल लेकर सेव कर दो। तो ये चीज हो गई, हम लोग ने क्या क्या किया, अभी यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाया और यूनिट ऑफ मेजर बनाया। अभी हम लोग पास करके एंट्रीज, तो अभी यहाँ पे सिर्फ फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स जैसा रहता है ना वैसा ही है, बराबर। अभी यहाँ पे F9 से F9 करो, परचेस आ गया। अभी ऐसा कुछ आएगा, सप्लाई इनवॉइस नंबर मैं 1 दे देता हूँ, डेट हम लोग को 1-8-2019 है, बराबर देख लेते हैं। हाँ 1-8-2019 है, बराबर ये हो गया, इसको एंटर कर दो। और फिर यहाँ पे ऊपर भी डेट चेंज कर देंगे F2 करके, और यहाँ पे देते 1-8-2019 बराबर, 1-8-2019 फर्स्ट ऑगस्ट मतलब की, इसको एंटर कर दो। ये हो गया। अभी यहाँ पे पार्टी का नाम लिखने का, तो जेन्युइन लेदर बैग बराबर, यहाँ पे इसको हम लोग को डिटेल्स दी हुई है, तो एंटर करते जाओ हम लोग, सिर्फ एंटर करने का है। यहाँ पे परचेस लेजर्स को सिलेक्ट करो, परचेस लेजर आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लेने का, लेदर बैग, लेदर बैग कितने पीस है, क्वांटिटी, क्वांटिटी हम लोग की यहाँ पे 150 पीस बराबर, 150 एंटर। पीसीएस ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी डेट क्या दिखा हुआ यहाँ पे 2500, इसको एंटर करते ही ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट हो गया, देखो यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेट हो गया, इसको एंटर कर दो। दो बार एंटर करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि जैसे टोटल आता है ना, देखो यहाँ पे इसको एंटर करते यहाँ पे टोटल आता है, मतलब नीचे ऐसा आता है बराबर। इसको एक बार और एंटर करो, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं सीजीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर करो। फिर एसजीएसटी, सॉरी यहाँ पे सीजीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर कर दो। एसजीएसटी, एसजीएसटी भी ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे अगर आपको संदेह है तो मैं आपको कैलकुलेटर में ऑन करके बताता हूँ, कैलकुलेटर अभी यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपको तो ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का 150 × 2500 बराबर, 150 × 2500 बराबर, एंटर करते कितना आया, सेम आया बराबर। अभी इसका हम लोग को मतलब कि हम लोग को 14% जीएसटी निकालना है बराबर, 14 तो वो आप निकाल लेना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको पता है, मेरे को भी पता है, एंटर कर दो। ये हो गया। अभी इसको आपको प्रोवाइड जीएसटी वे ई बिल, यस करना है यस करो, नो करना है नो करो, मैं यस कर देता हूँ। इसको एंटर एंटर करते जाओ, यहाँ पे एंटर एंटर करोगे और फिर ये हो गया। इसको नरेशन, अभी नरेशन अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बींग गुड्स परचेस्ड, ऐसा मतलब खाली बींग गुड परचेस लिख देते हो, इसको एंटर कर दो। यहाँ पे और भी लिख सकते हो, बींग गुड परचेस ऑन क्रेडिट वगैरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग की सबसे पहले एंट्री होगी। अभी इसको देखने के लिए डिस्प्ले
और फिर डे बुक, डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक, बराबर। अब यहाँ पे परचेस किया, वाउचर नंबर वन है और फिर ये हो गया 4800, मतलब कि टोटल हो गया, बराबर। ये हम लोग ने बना लिया, एकदम इजी, एकदम मतलब कि हलवा है, मैं बोलता हूँ। अब इसके बाद सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, ऑन सेकंड अक्टूबर आई थिंक सो, ऑन सेकंड सेप्टेंबर, ऑन सेकंड सेप्टेंबर 2019 सोल्ड 80 पीसेस ऑफ देम, मतलब कि लेदर बैग के 80 पीसेस बेच दिए 3500 के हिसाब से, बराबर। अभी यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ 28%, किसको बेचा, मिसेस शॉपर स्टॉक्स को, बराबर। परी इंडस्ट्रीज स्टेट, मतलब एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, बराबर। इनका जीएसटी आई नंबर भी दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को कौन से लेजर बनाओगे, सीजीएसटी एसजीएसटी तो है, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सेल्स लेजर, और कौन सा होगा हम लोग का, मिसेस शॉपर स्टॉक्स, बराबर, सीजीएसटी एसजीएसटी तो है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को दो बनाने होंगे। तो यहाँ पे जाते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर और फिर क्रिएट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कौन सा बनाना होगा, सेल्स, सेल्स, एस ए एल ई एस, सेल्स। और फिर यहाँ पे वापस से सेल्स ले लोगे, सेल्स एंटर एंटर करते जाओ, और फिर यहाँ पे उसको, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, इसको नो कर दे सबसे पहले, और इसको यहाँ पे गुड्स आएगा, यहाँ पे गुड्स, गुड्स, बराबर। यहाँ पे मैंने गुड्स लिया है, तो मैं इसके लिए उसको कैंसिल कर दिया, इसको एंटर कर करे सेव कर दो, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नाम क्या लिखा हुआ है, मिसेस शॉपर स्टॉक्स, बराबर, मिसेस, मिसेस शॉपर्स, शॉपर्स स्टॉक, शॉपर स्टॉक, अभी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो इसको एंटर कर दो। अभी ये हम लोग डेटर है या क्रेडिटर है, हम लोग उधारी में बेच रहे हैं, बराबर, डेप्टर्स है। अभी यहाँ पे कैश भी हो सकता है, इसे जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है कि क्रेडिट में बेचा है या फिर कैसा बेचा है, यहाँ पे हो सकता है कैश में दे दिया हो, तो यहाँ पे हम लोग को इनका नाम की जरूरत ही ना हो। लेकिन अभी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट में खरीदा है। तो हम लोग के ये डेटर है, असेट्स है, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग को इनका एड्रेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एड्रेस ले लेते, क्या लिखा हुआ है एड्रेस, परी इंडस्ट्रीज स्टेट, परी, सॉरी, परी इंडस्ट्रीज स्टेट, ESTATE, बराबर, एंटर कर दो। अभी यहाँ पे एड्रेस और क्या लिखा हुआ, बहुत बड़ा एड्रेस है, चिपलून, बराबर। अभी यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बराबर। अभी इनका पिन को लिखा हुआ है 415605, अभी ये महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसके लिए हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी लेंगे, बराबर। तो यहाँ पे अगर महाराष्ट्र के बाहर का हुआ, तो हम लोग एसजीएसटी, सीजीएसटी नहीं, आईजीएसटी लेते। अभी यहाँ पे जीएसटी आई नंबर भी दिया हुआ है उन्होंने, क्या है जीएसटी आई नंबर, इसको कॉपी कर लेते सबसे पहले, सिंपल इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते, जीएसटी आई नंबर हो गया, एंटर कर दो, एंटर 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 एंटर, हो गया खत्म। दो लेजर बनाने थे, दो लेजर बना दिए। अभी स्टॉक आइटम इन्वेंट्री तो हम लोग ने पहले से बना के रखी है, तो इन्वेंट्री को तो हम लोग को कुछ टच करना ही नहीं है, सिंपली हम लोग को जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अभी वहां पे परचेस हो रहा था, तो यहाँ पे सेल्स होगा, F8, सेल्स के लिए F8 होता है। अभी यहाँ पे रेफरेंस नंबर फॉर एग्जांपल मैं 1 ही दे देता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग जेन्युइन लेदर बैग से लिया है या किसको बेच रहे, बेच रहे किसको, मिसेस शॉपर स्टॉक को, तो इसका उनका नाम ले लो, एंटर एंटर कर दो, या फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर सकते हो। अभी सेल्स का कौन सा लेजर हम लोग ने बनाया था, सेल्स बनाया था ऑफकोर्स। अभी यहाँ पे लेदर बैग, लेदर बैग अभी कितने बेचे हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने 80 पीस बेचे 3500 के हिसाब से, 80 से यहाँ पे कितने रुपए के हिसाब से भेजे, 3500, एंटर, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रहता ना वैसे। अभी सीजीएसटी, सीजीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया, एसजीएसटी, एसजीएसटी ये भी ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर एंटर करो, और फिर यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। तो इसको इतना इजी है ये, मतलब कि आपको चुटकी बजाते ही आ जाने का। अभी यहाँ पे हम लोग ने सब कर दिया, अभी हम लोग की दो एंट्रीज थी, बराबर, ये दोनों एंट्रीज कर दी, GSTR2 और सेल्स टैक्स इनवॉइस, बराबर। दो चीज बनानी है, सबसे पहले GSTR2, अभी वो कहां पर आएगा आप बोलोगे, अभी ये डिस्प्ले के अंदर आएगा, सॉरी डिस्प्ले के अंदर बोल रहा हूँ मैं, और डिस्प्ले के अंदर ही आएगा, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जीएसटी, GSTR2, और फिर यहाँ पे ये आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग को ना पीरियड सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे एक ही महीने का आ रहा है, तो पीरियड सिलेक्ट करते हम लोग 1-4-2019 से लेकर 31-3-2020, बराबर, एंटर। अभी यहाँ पे हम लोग ने दो एंट्रीज हुई, यहाँ पे देख सकते हो, इसको
अल्टर पी करके पेस्ट कर सकते हो, मतलब प्रिंट कर सकते हो और इसको यस कर दो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते GSTR2 और GSTR2 SOP2 SOP2 बराबर एंटर, अभी ये ऑटोमेटिकली होगा तो ये प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ GSTR2 SOP2, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ आ रहा है बराबर। अभी मैंने ना यहाँ पे बैक जाते हैं थोड़ा सा और फिर यहाँ पे मैंने डिस्प्ले के अंदर गया और डे बुक के अंदर गया और ये जो है ना यहाँ पे मैंने डेट चेंज नहीं की, तो यहाँ पे ना बेसिकली मेरे को डेट चेंज करने की थी जो कि मैंने नहीं की, 2nd September। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स में जाऊंगा, मैं सेल्स को एंटर करके ओपन कर दूंगा और इसको मेरे को अल्टर करने का बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को डेट चेंज करनी है तो F2 डेट के लिए और यहाँ पे टू है ना आई थिंक सो, और टू है टू डैश नाइन डैश 2019 एंटर कर दो और इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। तो मैंने वहां पे थोड़ा सा डेट चेंज कर दी क्योंकि मैंने वहां पे डेट डाली ही नहीं थी इसके लिए, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे सेल, तो अभी यहाँ तक हो गया हम लोग का। अभी इसके बाद हम लोग को है ना सेल्स टैक्स इनवॉइस निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्प्ले जाएंगे, फिर डे बुक के अंदर और फिर यहाँ पे हम लोग का जो सेल्स की एंट्री उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये है सेल्स बराबर, तो इसका हम लोग को टैक्स इनवॉइस निकालना है बराबर। तो इसको सबसे पहले अल्टर पी करते और इसको हम लोग को पेस्ट कर देते, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स और फिर इनवॉइस, तो यहाँ पे ये हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं सेल्स सर्च करते सेल्स टैक्स इनवॉइस, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का टैक्स इनवॉइस ऐसा आता है, मतलब कि हम लोग डे बुक के अंदर सेल्स टैक्स इनवॉइस निकालते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल टैक्स है, GST है, CGST, SGST सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इतना समझ में आ गया रहेगा, और अगर आपको अभी भी कुछ सवाल है या कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी मतलब कि कुछ पूछना है आपको तो मेरे को पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया बराबर, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप फॉलो कर सकते हो।